प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में मदर डेयरी में बाइक सवार दो युवकों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल बाइक पर सवार दो युवक मदर डेयरी बूथ पर आए और उन्होंने दुकानदार से आधा किलो घी मांगा। दुकानदार घी लेने के लिए जैसे ही अंदर गया तो इन युवकों ने बूथ के बाहर रखा पैसों से भरा गल्ला उठाया और वहां से फरार हो गए। वहीं मदर डेयरी के मालिक का कहना है कि उनके बूथ पर चोरी की घटना नहीं बल्कि लूट की घटना हुई है। जिस गल्ले को दो लोग उठाकर ले गए उसमें करीब 25,000 रुपए थे। फिलहाल डेयरी के मालिक सुरेंद्र ने पुलिस को मामले की सूचना दे दी है। सुबह दो आदमी आए पल्सर मोटरसाइकिल पे, यहाँ पर रुके। एक आदमी आया वापस मेरे पास उतर करके, उसने बोला कि हमें एक आधी किलो घी दे दो। मैं घी लेने के लिए अपने शोकेस में गया पीछे, बहुत घी उठा के जैसे लेके आया तो वो कैश बॉक्स लेकर के और मोटरसाइकिल तरफ बढ़ रहा था। मैंने शोर बचाया, तब तक वो मोटरसाइकिल बैठ करके चल दिया। मैं भाग करके आया और आ करके एक मोटरसाइकिल वाले को हाथ दिया, उसके पीछे गया। कुदरती क्या हुआ कि उस जिसपे मैं मोटरसाइकिल पे था वो मोटरसाइकिल बंद होगी, फिर मैंने वो मोटरसाइकिल छोड़ी, दूसरी मोटरसाइकिल पर शिफ्ट हुआ। तब तक मेरे और उसके बीच में गैप ज़्यादा हो गया और वो आगे जा करके भीड़ भाड़ वाली जगह में पहुँच गए और मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं नहर तक, सेक्टर 4 की जो नहर का पुल है वहाँ तक उनके साथ में मैं पीछा किया मैंने उनका। जब मेरे को वहाँ पर कहीं नजर कुछ नजर नहीं आया तब उसके बाद मैं वापस आया, फिर मैंने पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्म किया। वही मामले में पुलिस का कहना है कि उन्हें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि मदर डेयरी से बाइक सवार दो युवक सामान चुरा कर ले गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटना का दो लड़के आए मोटरसाइकिल पे, पल्सर मोटरसाइकिल थी। एक लड़के ने नीचे उतर के वो मीटर डेयरी पे गया, उसको कहने लगा अंकल आधा किलो घी चाहिए। वो घी लेने के लिए कमर जैसे घुमाई, उसका वो डब्बा रखा था जिसमें वो पैसे डालना था, उस डब्बे को चुप उठा के चलते बने। बस ये घटना है। वो तो ये कह रहा जी 25,000 है, बाकी देखते हैं जितने हैं वो बताए। कोई सीसीटीवी की भी कोई इसमें फुटेज मिली है? कैमरा कोई है नहीं नज़दीक, उसके आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है। फुटेज मिली है? कैमरा कोई है नहीं नज़दीक, उसके आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।